आगरा का 12वां संस्करण 26, 27 और 28 अक्टूबर को आगरा ट्रेड सेंटर जो सिग्नल ग्राम में है उसमें शुरू होने जा रहा है। ये 2007 में हमने इसकी शुरुआत की थी। उस समय आगरा का एक्सपोर्ट निर्यात लगभग 1000 करोड़ हुआ करता था। आज 3000 करोड़ रुपये से ऊपर सीधे निर्यात हो चुका है और 1000 करोड़ का निर्यात मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के माध्यम से होता है। तो दोनों डीम्ड एक्सपोर्ट और डायरेक्ट एक्सपोर्ट में मिलाकर के लगभग 4000 करोड़ का निर्यात आगरा से होने लगा है। आगरा देश के निर्यात का लगभग 25% हिस्सेदारी रखता है और 65% जो जूता निर्माण जो देश की टोटल रिक्वायरमेंट है उसमें उसकी पूर्ति आगरा करता है। आगरा की लगभग 25 से 40% तक जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूते से जुड़ी हुई है। ये जो शुरुआत आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर्स जो निर्यातकों की संस्था है अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने की दृष्टि से ये शुरुआत की गई थी। इससे आगरा का जो माइक्रो इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, आगरा का जो जूते का जो कुटीर उद्योग है उसको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। निर्यातकों की पहुंच तो विदेशों तक थी, अच्छे अच्छे कंपोनेंट सप्लायर्स उनके पास तक तो पहुंच जाते थे, लेकिन जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके पास उनको नई नई तकनीक देखने का न तो मौका मिलता था, नए कंपोनेंट का मौका मिलता था, ना नए कंपोनेंट की सोर्सिंग्स कहाँ से की जाए इसका मौका नहीं मिलता था। अब आज उनको सब हर कुटीर उद्योग तक की भी अप्रोच लेटेस्ट तकनीक तक पहुँच गई है और आने वाले समय में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा उद्योग के लिए। उसके अलावा 5000 से ऊपर कुटीर उद्योग यहाँ पर है, उन सभी को ये देखने का मौका मिलेगा। और चूँकि इस बार शहर से थोड़ा दूर है तो कुटीर उद्योग के लिए खासतौर से उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है, जिससे बसों से पहुँच करके इस प्रकार चीज़ को देख सके। एक गुणवत्ता एवं प्रोडक्ट का विकास एक निरंतर प्रोसेस है, नई नई इनोवेशंस के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जितने भी नई नई तकनीक न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी जो विकसित होती है उस सारी तकनीक का यहाँ प्रदर्शन होता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो इसमें उनकी पूरी की पूरी एसोसिएशन, उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष भी यहाँ देखने और भाग लेने आ रहे हैं। ये न केवल देशवासियों के लिए बल्कि आसपास के